आज जो होती था कि फर्स्ट एग्जाम स्टार्ट है और देखो ऐसा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बादाम और शक्कर खा लो क्योंकि दही और चीनी नहीं है, चीनी था मतलब दही नहीं जमाया, तो इसी वजह से अभी देखो उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, तो बस ऐसे ही करे जा रही है। मेरी दीदी ऐसे हुई, आज स्टोरी की एग्ज़ाम है, आकर स्टोरी सुनाएगी दी था, है ना? चलो जल्दी से चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? तो आज जो है वो टीसा का, जैसे कि आपने आगे देखा, टीसा का आज फर्स्ट एग्जाम है, मतलब कि फर्स्ट डे एग्जाम का है आज, तो वो गई है और आज जो है वो स्टोरी और रैम्स जो है वो उनको सुनानी है टीसा और सारे बच्चों को। तो टीसा को जो हमने थोड़ा बहुत करा दिया है और बोल तो रही है अभी, वहाँ पता नहीं बोलेगी या नहीं, तो ये है। और साथ ही में यहाँ पर मैंने थोड़ा क्लीन कर दिया है, कचरा पोता मतलब कि झाड़ू पोछा लगा दिया है, साथ ही में अलमारी ये देखो इस साइड की अलमारी जो है मैंने क्लीन कर दी है। ये पूरी अलमारी यहाँ तक जो है वो भर गई थी, क्योंकि क्या हुआ ना कि नवरात्रि आई थी तो देखा कि देर से चने चोली है, तो सारी चने चोली साथ ही में मेरी सारी जो जितनी भी साड़ी है वो सारी मैंने बैग में रखी है, पर क्या होता है ना हम पहनते हैं और उसके बाद फिर मैं अलमारी में रख लेती हूँ, फिर मैं वापस वहाँ पे नहीं जाते। तो साड़ी और ये सब कुछ भर गया था आयरन कलन। देखो यहाँ पे ये सारे कपड़े यहाँ पे मैंने निकाल दिए, जो कि सारे जो है वो प्रेस में जाएंगे, या फिर होगा तो थोड़े कपड़े जो है वो मैं घर पे ही प्रेस कर लूँगी। और बाकी यहीं पे जो देखो ये वाले साड़ी है, दो साड़ी है, वो मैंने धोने के लिए वॉश करने के लिए निकाल दी है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए पहनी थी तो उसमें कबर में ही पड़ी रही थी, तो मैंने सोचा चलो वॉश करने कर लेते हैं आज, जो कपड़े धोऊंगी तो उसके साथ ये सारे साड़ीज भी वॉश हो जाएगी। तो ये है, और पता नहीं क्यों अलमारी जितनी बार क्लीन करो, जितनी बार अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखो, पर फिर भी पूरी अलमारी थोड़े दिनों में ही बिगड़ जाती है, तो अभी क्या करें, ऐसा हो ही रहा। आज तो मैंने हिम्मत करके कितनों दिनों से मुझे करनी थी कि अलमारी जो है वो मैं साफ़ कर दूँ, क्योंकि मैं जब कबर खोल रही थी तो मुझे ही अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसी दिख रही है मेरा जो सेक्शन है पूरा कैसा दिख रहा है, पर फिर आज जो है हिम्मत करके मैंने जैसे जैसे कर ही दी। अभी बज गए हैं सुबह के 10:30 और ये रूम जो है मैंने क्लीन कर दिया है, और अभी तीर्था आ जाएगी थोड़ी देर में, क्योंकि एग्ज़ाम है तो थोड़ी देर में वापस आ जाना है, तो वो अभी आ जाएगी वापस। और ये है, और 1000 सब्सक्राइबर की देर बहुत ही ढेर सारी खुशी है मुझ में, क्योंकि अभी तक बस अभी सोचू ना मैं कि 1000 हो गया है, तो बैठे बैठे ही मुस्कुराने लगती है, वो ऐसे मुस्कान ही आ जाती है, नहीं कि स्माइल ही आ जाती है। और यह है, अभी चलो अलमारी जो है वो एक सेक्शन मैंने क्लीन कर दिया है, अभी कल करूँगी टीथा का सेक्शन, उसके बाद करेंगे हम इटर्स का लास्ट में। अभी हो गया है शाम और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पे, क्योंकि मम्मी के घर पे एक सरप्राइज है, चलो वहाँ पे चलते हैं, फिर आप सबको दिखाती हूँ। तो आ गई हूँ मैं मम्मी के घर पे और अभी आप सबको दिखाती हूँ कि क्या सरप्राइज है। तो यहाँ पे मम्मी ये देखो चिप्स बना रही है, वेफर्स पूरे साल की स्टोर करने के लिए, तो ये बन रही है यहाँ पे, तो रेडी हो सरप्राइज के लिए, चलो दिखाती हूँ आप सभी को कि क्या सरप्राइज है। रेडी रेडी, ये सरप्राइज। तो फाइनली हमारा न्यू फ्रिज जो है वो आ गया है मम्मी के घर के लिए, न्यू फ्रिज फाइनल आ गया है। कितनी बार देखने गए, बुक करने गए और कैंसिल कर दिया, और अभी देखो फाइनली घर पे जो है हमारा न्यू फ्रिज आ गया है, अभी दिखाती हूँ अंदर से कैसा है। तो सबसे पहले जो है वो तीर्था उद्घाटन करेगी, तिलक करेगी, स्वास्तिक बनाएगी और उसके बाद हम उसमें सब कुछ रखेंगे। चलो तीर्था लेकर आओ, जाओ।
फ्रिज के साथ जो है हमारा बोटल्स जो है वो फ्री आई है, ये सारी बोटल्स। और तीथा ने बहुत ही अच्छे से फ्रिज का जो है ओपनिंग कर दिया है। यहाँ से नहीं है, काटना ही पड़ेगा। ये देख लो, तीथा ने जो है टेरा मेरा स्वस्तिक बनाया है, वो भी पिया मासी की मदद से। बोटल्स की ओपनिंग हो रही है जैसे सोना चांदी की ओपनिंग होती है, किसी मोबाइल की ओपनिंग होती है ना, ऐसे बोटल्स की ओपनिंग हो रही है। अभी ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलेगा घर पे आएंगे तो। फाइनल उद्घाटन हो गया है, जिसमें आ गया है दूध, साथ में पानी की बोतल और कैडबरी। तो अब से यूज होगा न्यू फ्रिज। तो अभी तो जो है फ्रिज में सिर्फ तीन ही चीज है, एक है कैडबरी चॉकलेट और पानी की बोतल और दूध जो है वो वही है। तो अभी फिर नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी वापस घर पे, तब देखते हैं कि कितना फ्रिज जो है वो उसमें कितना सामान आ गया है। तो हमें लेने के लिए आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं वापस घर। घर पे जाएंगे, नहीं मैं लाइट देखने जाएंगे, लाइट देखने जाने हैं। ठीक है चलो। तो आ गए हैं हम घर पे और सबसे पहले जो है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि कल हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती। तो कल जो है ये व्लॉग आएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आज आप कुछ स्पेशल देखें। तो चलो पहले देख लो। देखा आपने, बहुत ही अच्छे से हमें आज के दिन दर्शन हो गए। वहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्राम भी था और दर्शन भी अच्छे से हो गए और आप सबको हनुमान जयंती के दिन स्पेशल दर्शन करने को मिल गए साथ ही में। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है ना, जिन्होंने भी दर्शन करने नहीं जा सके या फिर नहीं जा सकते तो वो इस वीडियो के जरिए जो है वो दर्शन कर लेंगे। अभी कल फिर से हनुमान जयंती का जो व्लॉग है वो आएगा, वो तो बहुत ही अच्छा लोग हम बनाएंगे और बहुत ही अच्छे से दर्शन होगा तो करा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि शाम के टाइम जो है वहाँ पे प्रसाद बांटा जाता है लड्डू का, तो वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। तो हम देखते हैं, शाम को तो नहीं जाएंगे, होगा तो रात को हम जाएंगे, तो आप सबको दर्शन कराएंगे। तीर्था की कल ड्रॉइंग की एग्ज़ाम है तो उसकी तबीयत भी थोड़ी थोड़ी ढीली हो रही है, अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। आप तीर्था को ऑल द बेस्ट कह दीजिए। चलो अभी ये व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। फाइनली आज के दिन जो है फ्रिज हमारा मम्मी घर का फाइनली आ गया, क्योंकि उनको कब से फ्रिज जो है वो लेना था, आज जो फ्रिज आ गया और स्टार्ट भी हो गया, तो ये बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है। चलो अभी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।